तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छेड़ा नगर और यहाँ पे है मंगेश निशान जो ऑलरेडी मिल चुके हैं और आशीष भाई और कर्क है ये टाइम। हाँ है ना, यूटर्न है इधर से, ठीक है। तो अभी ये सारे बंद है, आशीष भाई गए थे पूछने बट अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ है, तो हम जा रहे हैं सामने टपरी में। भाई साहब सुशालू मंडली का सकाई, माय नेम इज सुजन मंडल, वेलकम बैक टू माय चैनल 56। और अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग राइड पर और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको छेड़ा नगर पहुँच के बताता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। 5:27 हो रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी मेरे को पहुँचना था, 5:45 तक टाइम है अपने पास। सो फटाफट से वहाँ पहुँचते और फिर सब कुछ वहीं बताते कि हम जहाँ कहाँ रहे, कितने लोग हैं, क्या करने वाले हैं। सो सी यू सून। यही वन ऑफ द रीज़न है कि हम लोग मॉर्निंग राइड करते हैं, ऐसे ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है और खाली रहता है रोड और मज़े से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो ये रहा सिग्नल और ये सिग्नल से लेना है हमको राइट और हम पहुंच चुके हैं छेड़ा नगर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छेड़ा नगर और यहाँ पे है मंगेश निशान जो ऑलरेडी मिल चुके हैं और आशीष भाई और कर्क है। सो ये मेरे साथ पहली बार आज राइड करेगा। कोरा भाई आ रहे हैं अभी, उन्होंने मॉर्निंग में डाला कि भाई मैं भी आ रहा हूँ, बोला चलो ठीक है आ जाओ तुम भी, तो 5 मिनट में वो भी पहुँच रहे हैं। एक्टिवा बसंती हिमालयन प्राइम और सुजुकी की वी स्टॉम आ रही है अभी। गुड मॉर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं मोरबे डैम जो कि 1 घंटा 15 मिनट बता रहा है, 53 किलोमीटर है यहाँ से। सो बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। तो अभी आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मजे करिए, देखते हैं अभी रोड में क्या क्या होने लगता है। अरे ग्लव्स डालना तो भूल ही गया मैं। तो भाई क्यों होता है ऐसा मेरे साथ, मैं क्यों भूलता हूँ इतना, बट कोई बात नहीं, अभी चलते चलते पहन लेंगे आराम से। और तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कौन कौन है अपने साथ और कहाँ जाने वाले अभी हम लोग, तो ये राइड में फिर से मज़ा आने वाला है, बहुत खतरनाक एनर्जी है इतने सुबह सुबह। तो अभी हम जा रहे हैं श्री दत्ता स्नैक्स जो कि 46 मिनट है और 34 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ जाएंगे थोड़ा स्नैक्स वैक्स खाएंगे, मज़े करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे अपने डैम के तरफ। सही बताओ तो अपना डैम का नाम भूल गया हुआ है और ये एक्सपल्स यहाँ से गुजर रही है। न्यू है यार, न्यू एक्सपल्स, एक्सपल्स की जो सेलिंग हुई है ना भाई, क्या बताऊं मैं, एक्सपल्स की सेलिंग 90% बहुत मस्त, मतलब बहुत खतरनाक सेलिंग हुई है एक्सपल्स की। अरे 20 सेकंड है तो मैं मेरा थोड़ा ग्लव्स पहन लेता हूं निकाल के, थोड़ा अपने को भी राइडर वाली फील आनी चाहिए कि नहीं। 15 सेकंड, 12 सेकंड, 11 सेकंड, भाई जल्दी निकल तू, बस डाल दूं तेरे को मैं हाथ में अपने, 7, 5, 4, 3, 2, 1। देखो काफ़ी सारे राइडर्स निकलते हैं, मैंने तो बताया नहीं काफ़ी सारे राइडर्स निकले भी है, तो ऑन द वे जो जो राइडर्स निकलेंगे, जो जो राइडर्स अपने को दिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। बट एक खूबसूरत सा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये स्मोक, बट अभी ये बंद हो गया, ये फिर से खुलेगा और मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर स्मोक। अगर नहीं इतना दिख रहा तो जूम भी कर लूँगा आप लोग के लिए, बहुत मस्त लगता है। और वहाँ से आती है सनराइज़, बट अभी तक सनराइज़ हुई नहीं है और यहाँ का व्यू बहुत ब्यूटीफुल आता है। अब मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएंगे राइड करके, क्योंकि जब से बसंती को लिया है तब से मैं राइड करे जा रहा हूँ। तो आगे अपनी जा रही हिमालयन, एक्टिवा है, निशान भाई राइड कर रहे हैं और ये अपना ट्राइम जो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, और भाई को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है। आप लोग भी कमेंट करके बोल देना क्योंकि 3 हफ्ता ही हुआ है उनको ट्राइम लेके, 400 cc है और उनका फर्स्ट राइड है अपने साथ और उनका फर्स्ट एवर बाइक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना तो बनता है, कमेंट करो भर भर के और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो फटाफट। और सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को क्योंकि मेरा कल का व्लॉग मिस हो गया था और इसके पीछे मैं कोई रीज़न देना नहीं चाहता, नहीं तो हमेशा वही होएगा कि अगर कुछ मिस हो गया तो चलो सॉरी बोल दो, बट ऐसा नहीं है।
मेरा ऐसा है अगर करना है तो पूरा करो, नहीं तो करो ही मत। बट कल कुछ जेन्यून रीज़न की वजह से मैं कल ब्लॉग नहीं डाल पाया, तो आई होप ऐसा ना हो नेक्स्ट टाइम। एक्चुअली ये बाइक लोगों का है और रिक्शा वाले का है, बट अभी उधर इतना ट्रैफिक था, लाइन लगी हुई थी, तो मैंने इधर से ही ले लिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये जाके मिलता ही एक दूसरे से। तो हार्डली अभी श्री दत्ता स्नैक्स पहुंचने के लिए हमको 4 मिनट रह गया, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर। तो श्री दत्ता स्नैक्स तो पहुंच चुके हैं, अभी हमको ये डिसाइड करना है उधर वाला जाना है या फिर इधर वाला। अबे वो खुला भी नहीं है अभी तक। किधर, आगे से यू टर्न लेके? बट वो ये वाला, वो वाला बंद है। हाँ इधर वाला ना, ऑपोजिट वाला, तो यू टर्न लेके आते हैं फिर। हाँ है ना, यू टर्न है इधर से, ठीक है। चला जा निशांत, इधर से यू टर्न लेना है। ओ भाई इतनी बड़ी ट्रक है, ये सब तो कॉमन है यहाँ के रोड के लिए। तो अभी हमको यहाँ से लेना यू टर्न, क्योंकि जो श्री दत्ता वाला होटल है ना वो बंद है, तो इसका दूसरा भाई भी है ऑपोजिट में, तो हम उधर जाएंगे, उधर देखेंगे कि है कि नहीं कुछ खाने के लिए। चलो श्री दत्ता ही नहीं, यही सही। पेट्रोल था। क्या पेट्रोल भर के आ रहा? अच्छा पेट्रोल भर के आ रहा है, ठीक है ठीक है। ओके सो वी नीड टू डिसाइड इधर जाना है या फिर इधर। मेरे को तो इधर है ना भाई, इधर गरम गरम इडली डोसा है इधर। आई जस्ट सॉ, इधर बैठने का जगह नहीं है तो इधर ही बैठते हैं अपन, यहीं चलते हैं। हाँ ये बहुत बड़ा दुकान है। चलो तो अभी ब्रेकफास्ट आ गया अपने टेबल पर, और श्री दत्ता तो बंद है जैसे कि आपको पता है। अभी हम आए श्री शाही में जो ऑपोजिट में, तो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं, मैं तो लेट हो गया, लेट होना नहीं अपने, बट खाते फटाफट। तो बस पेट पूजा हो गया, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं मोरबे डैम, और 36 मिनट 19 किलोमीटर। चलो लेट्स गो। अभी जहाँ पे हम इडली वड़ा खाने बैठे थे ना, क्या स्कैम चल रहा है इडली बेचने का। तो अगर आप लोग यहाँ पे इडली वड़ा खा रहे हो तो ये लोग 2 इडली और 1 वड़ा देते, मतलब इनको इडली आई थिंक जल्दी ख़त्म करना होता है शायद। तो हम लोग ने उसको पूछा कि अगर मेरे को 2 वड़ा और 1 इडली चाहिए रहेगा तो कैसा। हर एक जगह ऐसा होता है कि तुम मिक्स ले सकते हो और तुम्हारे चॉइस के हिसाब से तुम ले सकते हो। जैसे अभी इधर एक प्लेट में 3 चीज़ दिए, जैसे कि 2 इडली 1 वड़ा। बट मैंने उसको पूछा कि अगर मेरे को 2 वड़ा और 1 इडली चाहिए रहेगा तो कैसा। उसने बोला सर फिर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एक्चुअली एक प्लेट 50 रुपये का है और उसमें आता है 2 इडली और 1 वड़ा। तो मैंने बोला कि भाई अगर मेरे को 2 वड़ा और 1 इडली चाहिए रहेगा तो बोला भाई आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसके लिए, और अगर आप खाली वड़ा लेना चाहते हो तो आपको खाली 2 ही वड़ा मिलेगा 50 रुपये में। सो बहुत ख़तरनाक स्कैम है। तो बोलता है कि भाई इससे अच्छा तुम 2 इडली 1 वड़ा ही लो। तो मतलब उन लोग को वड़ा, तो मैंने उसको सीधा पूछ लिया था कि यहाँ पे वड़ा थोड़ा महंगा आता है क्या मटेरियल। तो बोलता है नहीं यहाँ पे सब एक ही जैसा बेचते हैं। मतलब चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम मिक्स ही खा लेंगे। ओके तो आई थिंक कोरा भाई को फ्यूल नहीं मिला था वो वाले पेट्रोल पंप पे, तो इधर आ चुके कोरा भाई पेट्रोल भराने के लिए। पेट्रोल डाल रहा हूँ, उसको उधर मिला नहीं पेट्रोल, पावर चला गया था। आधा घंटा एग्जैक्ट यहाँ से कोरा भाई का भी फ्यूल भरा के हो गया। चलो तो मैंने आते आते अपना फ्यूल भरा लिया था, और मेरे को पसंद नहीं ऐसे फ्यूल भराने के लिए रुकना, ये मतलब मेरे को ज़्यादा होल्डिंग नहीं पसंद। अगर मैं अकेला राइड कर रहा हूँ तो, अगर ग्रुप के साथ है तो ऑफकोर्स आपको रुकना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं आपके पास, तभी तो उसको ग्रुप राइडिंग बोली जाती है। दिखते और जब बारिश होती है तो पूरा ग्रीनरी दिखता है, पूरा ग्रीनरी इधर ना। कोरा भाई दिस साइड, प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो। ओहो लुक एट दिस भाई साहब,
अभी हम कोई एक गांव में पहुंच चुके हैं जहां पे क्यूट क्यूट से बच्चे हैं। ए टाडाडा ए ओ भाई डोंट टेल मी ब्रो, भाई मेरे साथ क्यों ऐसा करता है ये। भाई अपनी गाड़ी तो चढ़ जाएगी बट उनकी गाड़ी का क्या। अभी आराम आराम से जाएंगे भाई। फर्स्ट टाइम मेरा तो फर्स्ट गियर में ही है, गाड़ी क्यों बंद हो रही है। मैं शायद से ज़्यादा एक्सीलेटर दे रहा हूँ क्योंकि ये अपना फर्स्ट टाइम है ऐसा गाड़ी चढ़ा रहे हैं हम लोग। मैं तो ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। गिरना नहीं है अपने को, गाड़ी पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट्स गो। ओके इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन। आराम से आराम से आराम से, होल्ड होल्ड, रिलैक्स रिलैक्स। वेट वेट वेट, या इट्स टू हैवी, मेरे को इसी का टेंशन था। हाँ वेट, और थोड़ा सा, हाँ डन 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 डन। डू वन थिंग, आप वॉक करो, तू ले जा आगे, गुड नो। ना 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 डोंट वरी यार, होता है भाई। अब देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या सीन है। और कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं हुआ भाई, मेन तो ये है। हाँ एक्चुअली। और टायर भी अलग है ना भाई इसका। नहीं टायर अलग है, अनकंफर्टेबल है थोड़ा ये। वही वही मैं बोल रहा हूँ। दैट यू विल गेट इट मैन। साइलेंसर चेक कर। 300 में आ जाएगा, 300-500 में। मैं चेंज किया था। मिरर्स? 150, 250। स्टार्ट मारना। But then you can think of that. But this is new for me also, this type of road. Achha, even I asked first gear kaise. First gear. Yeah, I stayed in first only, but balance, yeah, but when it, some big stones. Guys, stones without na, gear. Without gear. Imagine bro, look at that. With double seat. With double seat. Because this all bike is waste bro. I should have got my scooter only. Mast maja aaya. Maja aaya. Thumbnail diya bhai ne. So, ये कर रहे हम जुगाड़, और बाकी सब कंटेंट पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या क्या नहीं रिकॉर्ड हुआ है, जितना भी आया होगा वो सब आपको बताएंगे हम लोग कि क्या क्या हुआ है आते वक्त भी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मोरवे डैम। ये ऐसा कुछ दिखता है, अभी सिनेमैटिक शॉट देते हैं, अभी सिनेमैटिक शॉट दे देता हूँ। भाई घर भी तो यहाँ पे बहुत है, फोटो भी खींच लिया, थोड़े वीडियोस भी बना लिए, वो चीज़ आपको सब इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, गोप्रो हो गया पूरा बंद जैसे कि देख सकते हो आप लोग। तो आई होप इधर तक का जर्नी आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो पता आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हम्बल, स्टे स्ट्रांग, स्टे स्ट्रांग गाइस। तो अभी आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मजे करिए, देखते हैं अभी रोड में क्या क्या लगता है। और कोई तो फाइनली अच्छा तेरी बाइक ले गया भाई, थोड़ा मैप देख लूँ मैं भी, और आप लोगों को भी बताता रहूं। ये ऐसा कुछ दिखता है, अभी सिनेमैटिक शॉट देते हैं, फोटो तो भी खींच लिया, आप लोग मेरे को देख सकते हो फोटो, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे देख। टिल देन